आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आने वाले HS के प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए जो करंटली इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस थी उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डिस्कशन करेंगे। होपफुली ये जो वीडियो है आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगी। साथ ही साथ इस वीडियो से के शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जोगटा एकेडमी का मेगा टेस्ट प्रीलिम सीरीज 2024 के लिए 22 जून को शिमला हिमाचल प्रदेश के अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा और इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है, दीज आर सम ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो पिछले एक वर्ष में किसी न किसी कारण की वजह से न्यूज में थी। तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड, जैसे कोई आइलैंड है या फिर कोई वोल्कैनो है या फिर कोई रिवर है या फिर कोई कंट्री है जो रिसेंटली किसी न किसी घटना की वजह से न्यूज में थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं HS एग्ज़ाम में। तो उसी के तहत इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो रिसेंटली न्यूज़ में थी या फिर पिछले एक वर्ष के अंतराल में जो न्यूज़ में थी, उनको हम यहाँ पर मैप के थ्रू, लोकेशंस के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पर अगर आप पहला एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखोगे तो वो कुछ आइलैंड से रिलेटेड है, दैट इज़ द कोकोज आइलैंड या फिर कोकोज किलिंग आइलैंड। तो यहाँ पर हम हमेशा गलती कर लेते हैं कि कोकोज आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में है, म्यांमार का जो आइलैंड है। यस, दैट इज ऑल्सो द कोकोज आइलैंड, बट दिस आइलैंड इज नॉट दैट कोकोज आइलैंड। ये बेसिकली जो आइलैंड है ये म्यांमार का आइलैंड नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन बेसिकली आइलैंड है जो इंडियन ओशन में सुमात्रा के नीचे लोकेटेड है। इस आइलैंड को किलिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दो दिस आइलैंड इज एक्चुअली द टेरिटरी ऑफ ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशियन आइलैंड है उसके नीचे साउथ इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो ये क्यों रिसेंटली न्यूज में था, बिकॉज रिसेंटली जो इंडियन एयर फोर्स के एयरक्राफ्ट और जो इंडियन नेवी है उन्होंने जो है इस आइलैंड को विजिट किया था, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन गई थी कि इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स की जो फोर्सेस है उन्होंने इस आइलैंड को रिसेंटली विजिट किया था। तो इट इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी लोकेटेड इन इंडियन ओशन, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा के इंडोनेशियन आइलैंड के पास ये लोकेटेड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोकोज आइलैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द कोकोज आइलैंड दैट वाज रिसेंटली इज न्यू इन न्यूज, इज नॉट द म्यांमार वाला कोकोज आइलैंड इन इन बे ऑफ बंगाल, बट ये इंडियन ओशन में सुमात्रा से नीचे ऑस्ट्रेलिया की एक ओवरसीज टेरिटरी है दैट वाज रिसेंटली विजिटेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के द्वारा इसको विजिट किया गया था। तो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट क्रेटर लेक दैट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्रेटर लेक है जो कहां है, जिसको जाना जाता है क्वाहा इजेन क्रेटर लेक के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली इस क्रेटर लेक का जो डिस्कवरी है, इसका जो डिस्कवरी है इसके बारे में जो हमें ऑप्टिकल इमेजेस प्रोवाइड की गई थी दैट वाज थ्रू दिस द कॉपरनिकस सेंटिनल टू एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक मिशन है। उन्होंने इस क्वाजा इजेन क्रेटर लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट, कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑप्टिकल इमेजेस हमें दी है। तो ये इंपॉर्टेंट जो लेक है ये कहां लोकेटेड है, ये ईस्ट जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो जावा इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है, सुमात्रन आइलैंड है, जावा आइलैंड है, सुलवेसी आइलैंड है, या फिर एक आइलैंड है दैट इज द बोर्नियो आइलैंड है। तो ये जो पर्टिकुलर लेक है ये लेक जावा आइलैंड में लोकेटेड है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। वी हैव दिस इंडोनेशियन का सुमात्रा आइलैंड जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय इंडोनेशिया ये आइलैंड है, साथ ही साथ इंडोनेशिया और मलेशिया और ब्रुनई के द्वारा शेयर्ड आइलैंड इज दिस बेसिकली दैट इज नॉन एज बोर्नियो आइलैंड। और इधर जो आइलैंड है दीज आइलैंड आज सुलवेसी आइलैंड बेसिकली। तो यहाँ पर जो ये जावा आइलैंड है यहाँ पर ये क्रेटर लेक को डिस्कवर किया गया है बाई दिस
कॉपरनिकस सेंटिनल 2 ESA, ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जो है मिशन है जिसने ये इंपॉर्टेंट इमेजेस प्रोवाइड की है इस क्वाजा इजेन क्रेटर लेक की। तो यहां पर अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक लेक। तो आप यहां पर देखिए, ये इसका जो पीएच वैल्यू है वो बहुत कम है, दैट इज 0.3 ओनली। सो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक लेक और इसका जो इंपॉर्टेंस है, ये वोल्केनिक ओरिजिन की एक लेक है और यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व साइट में भी इसको इनलिस्ट किया गया है। और इट एमिट्स हॉट फ्लेमेबल सल्फरस गैसेस दैट इग्नाइट अपॉन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ ऑक्सीजन। तो ये कुछ सल्फरस गैसेस को जो है एमिट करती है, जो अर्थ में ऑक्सीजन, अर्थ के एटमोसफेयर में ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आकर जो है इनफ्लेम हो जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया। तो आप देख सकते हैं, इट इज हाईली ब्लूइश और ग्रीनिश टाइप का इसका कलर है, बेसिकली एक सल्फरस लेक है। एंड अगेन दिस लेक इज वेरी जो है एक्सट्रीमली एसिडिक लेक और रिसेंटली इसको जो है डिस्कवर किया गया बाय कॉपरनिकस सेंटिनल 2, ये जो एक इंपॉर्टेंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो आपने ध्यान रखना है कि दिस लेक इज लोकेटेड इन लोकेटेड इन द मिडल ऑफ दिस जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट, अगर आप देखो तो जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट तुवालू। एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप सभी जानते हैं कि अभी जो पीरियड चल रहा है, दिस पीरियड इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से क्लाइमेट जो एक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखे जा रहे हैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म ऑफ ह्यूमिडिटी। और इसी प्रक्रिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो ग्लेशियर्स है, पोलार ग्लेशियर्स है या फिर जो हमारे वैली ग्लेशियर्स है, माउंटेनस ग्लेशियर्स है, ये पिघल रहे हैं। साथ ही साथ जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी जो है एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ उठता है, जिसकी वजह से जो भी आइलैंड है, दीज आइलैंड्स एक्चुअली इन द ओशन बिकम्स हाईली ससेप्टेबल। इनकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है सबमर्ज होने के कगार पर आ जाते हैं। तो इसी क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड या फिर ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड जो एक जो सी लेवल राइज है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो अभी प्रेजेंटली एक क्राइसिस आया है वो इस कंट्री पर, आइलैंड कंट्री पर आया है, दैट इज तुवालू। ये एक इंपॉर्टेंट नेशन है बेसिकली जो अभी सिंक कर रहा है, इट इज द सिंकिंग नेशन ऑफ तुवालू। इन्होंने जो है सिंकिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को लगभग 11,000 के आसपास जो लोग यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि इनका अपना जो देश है, अपना जो आइलैंड है, वो तो समर्ज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है, ताकि रेफ्यूजी पैक्ट साइन किया है, ताकि जो इनके जो लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज मिल सकें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और ये जो आइलैंड है, दिस आइलैंड कंट्री इज एक्चुअली लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक, एक सब रीजन है, बेसिकली ओशियानिया का एक सब रीजन है जिसको हम पॉलिनेशन सब रीजन बोलते हैं। सो दिस एंटायर रीजन इज एक्चुअली द ओशियानिया और इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको हम पॉलिनेशिया बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि दिस कंट्री का जो टोटल एरिया है, दैट इज वेरी लेस, 26 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इस 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 11,000 लोग रहते हैं। एंड दिस इज द कंट्री दैट इज गोइंग टू विटनेस द सबमर्जेंस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड सी लेवल राइज, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के बाद अगर आप इस रीजन को देखोगे, ओशानिया को देखोगे, दैट एक्चुअली इंक्लूड दिस ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, इसको अलग अलग रीजन में विभाजित किया गया है। तो यहां पर अगर आप तीन इंपॉर्टेंट सब रीजन्स देखोगे ओशानिया के, तो उसमें वी हैव मेलेनेशिया, वी हैव मैक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, वी हैव दिस पॉलिनेशिया। और यहां पर आपको जो न्यूजीलैंड है वो भी दिख रहा है, न्यूजीलैंड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। तो यहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन आइलैंड्स को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप इंपॉर्टेंट लोकेशन देखोगे, तो पॉलिनेशिया में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, तो आपको यूएसए का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड यहां पर दिख रहा है। यूएसए का जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, दिस आइलैंड इज बेसिकली
बेसिकली हवाईयन आइलैंड, ये एक प्रोविंस भी है, बेसिकली द प्रोविंस ऑफ आइलैंड, प्रोविंस ऑफ यूएसए, हवाईयन आइलैंड। देन अगर पॉलिनेशिया में देखो तो तुवालू जो कंट्री है, दैट इज गोइंग टू एक्चुअली विटनेस द सबमर्जेंस ड्यू टू द सी लेवल राइज, वो भी पॉलिनेशिया में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट आइलैंड इज समोआ, समोआ आइलैंड एक इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्री है या फिर आइलैंड है जिसको आपने ध्यान रखना है। एंड वी हैव दिस टोंगा, कर्माडेक आइलैंड एंड फाइनली इट इज न्यूजीलैंड। सो ये सारे के सारे आइलैंड कहां पर लोकेटेड है? दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द सब रीजन ऑफ ओशानिया, दैट इज द पोलिनेशिया। ये आपने ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस कभी कभी आ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इन आइलैंड का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। सो आपके पास यहां पर हवाईयन आइलैंड है, उसके बाद तवालू आइलैंड है, फिर आपके पास समोआ आइलैंड है, देन यू हैव दिस टोंगा आइलैंड, देन यू हैव कर्माडेक आइलैंड, और उसके बाद जो लास्ट में है न्यूजीलैंड है। ये आपने ध्यान रखना है। जबकि अगर आप इसका दूसरा सब रीजन देखोगे ओशानिया का, तो उसमें जो दूसरा सब रीजन है वो है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड मिलते हैं, दैट इज किरीबाती। किरीबाती इज द कंट्री, एक जो आइलैंड कंट्री है दैट इज किरीबाती। मार्शल आइलैंड है, कैरोलिन आइलैंड है, मरियाना आइलैंड है, दीज आर इंपॉर्टेंट आइलैंड। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ किरीबाती को याद रखें और मरियाना को याद रखें, बिकॉज दीज आर द आइलैंड आर्क। बेसिकली यहां पर एक ट्रेंच भी है, दैट इज द मरियाना ट्रेंच, जो है वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, 11022 मीटर। ये भी आप जानते हैं, तो आप इनको याद रखें बिकॉज दीज आर इन माइक्रोनेशिया। और अगर आप देखोगे थर्ड इंपॉर्टेंट सब रीजन ऑफ दिस ओशानिया, दैट इज एक्चुअली मेलेनेशिया। मेलेनेशिया में कुछ पार्ट आपको दिखेगा, दिस इज द सोलोमन आइलैंड, देन वी हैव दिस वनोतू, और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो टॉप कंट्री है दैट इज फिजी। और यहां पर आपको न्यू कैलेडोनिया एक इंपॉर्टेंट लोकेशन दिख रही है, जो रिसेंटली न्यूज में थी ड्यू टू सम, हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कि एक नया जो कॉन्टिनेंट, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया है, दैट इज पॉसिबली द 8th कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, उसका एक इंपॉर्टेंट, जिसको न्यूजीलैंडिया जिसको बोला जाता है, जिसका एक पार्ट जो है न्यू कैलेडोनिया भी है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट आइलैंड जिनको आपने ध्यान रखना है। कलेक्टिवली इसको ओशानिया बोलते हैं। दिस ओशानिया इज डिवाइडेड इंटू दीज थ्री सब रीजन्स, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया एंड माइक्रोनेशिया। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इनमें जो द वेरी फर्स्ट कंट्री दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस सबमर्जेंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज या फिर ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड सी लेवल राइज, दैट इज द तुवालू। और तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली एक जो एग्रीमेंट साइन किया है, और जो किस दिशा में है, बेसिकली टू फैसिलिटेट द रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज रेफ्यूजीज। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये आइलैंड हमने देखे, इन आइलैंड्स का बेसिकली जो ऑर्डर है ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट देखोगे तो जीलैंडिया इज पॉसिबली द न्यू बेसिकली 8th कॉन्टिनेंट, बट ये नॉर्मल कॉन्टिनेंट की तरह नहीं है, बिकॉज 95% ऑफ दिस न्यू कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है, इसका 94% के आसपास जो लैंड है वो अंडर वाटर है, और जो ऊपर इसका लैंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये न्यूजीलैंड वाला एरिया, और जो सबसे ऊपर हमने अभी एक जो बेसिकली आइलैंड देखा था न्यू कैलेडोनिया, वो इसका पार्ट है। रेस्ट ऑल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट दैट इज सुपोज टू बी द 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको जीलैंडिया बोला जाता है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट का बाकी हिस्सा अंडर वाटर है, सिर्फ और सिर्फ न्यू कैलेडोनिया और जो न्यूजीलैंड है कंट्री, दिस न्यूजीलैंड कंट्री और कैलेडोनिया ही इससे बाहर है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखेंगे, तो डिटेल इज अबाउट, ये एक लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, बाकी कॉन्टिनेंट बहुत बड़े हैं और ये छोटा कॉन्टिनेंट है, और इसका जो एरिया है दैट इज पॉसिबली फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, रिसेंटली न्यूज में था, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ जाए। और इसी के बाद अगर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये बेसिकली किसका पार्ट था, आप जानते हैं कि ये पैंजिया था, पैंजिया से डिवीजन हुआ, फिर गोंडवाना और लॉरेंशिया बना। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट जिसको हम जीलैंडिया बोल रहे हैं, दिस कॉन्टिनेंट वॉज एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना, जिसका पार्ट इंडिया भी था, जिसका पार्ट ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया भी था, जिसका पार्ट अफ्रीका भी था, उसी का ये पार्ट था जो रफली 105 मिलियन ईयर एगो जो मेसोजोइक एरा का एक क्रिटेशियस एपक है उसमें इसका डिवीजन हुआ। 105 मिलियन ईयर एगो इसका जो है डिवीजन हुआ और न्यूजीलैंड सेपरेट फ्रॉम द लैंड मास टू नॉर्थ एंड साउथ। अब यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखनी है कि ये न्यूजीलैंड है बेसिकली, तो न्यूजीलैंड के दो आइलैंड है, एक नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और न्यूजीलैंड से काफी ऊपर नॉर्थ में यू हैव दिस आइलैंड दैट इज न्यू कैलिडोनिया, जो किसका पार्ट है, ज़ेलैंडिया का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर आपको एक कुक स्ट्रेट मिल रही है दैट सेपरेट दीज टू आइलैंड, बेसिकली टू आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। और न्यूजीलैंड को कौन सेपरेट कर, कौन से ओशन है जो इसको सराउंड करता है, पैसिफिक ओशन एंड तस्मान सी, ये आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ज़ीलैंडिया दैट इज सपोजडली द 8th कॉन्टिनेंट, बट याद रखना है 94% ऑफ द लैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज सबमर्ज, द ओनली 6% लैंड दैट इज अबव द सी इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यूजीलैंड एंड दिस न्यू कैलेडोनिया। ठीक है जी, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट जो एक आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जो आपका रिसेंटली न्यूज में था, दैट वॉज रिगार्डिंग ए शिप, दैट वॉज रिगार्डिंग ए शिप जो रेड सी में स्ट्रैंड हो गया था, स्ट्रैंड कैसे हुआ था, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली नॉट स्ट्रैंड, इट वॉज एक्चुअली हाईजैक्ड बाई दीज हाउथी रिबल्स। तो यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है कि बेसिकली ये शिप कौन सा था जिसको रेड सी में बेसिकली हाईजेक कर दिया गया था बाय दीज हाउदी रिबल्स, या फिर जो हाउदी रिबल्स है ये कौन सी कंट्री में ये जो रिबल्स एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो एक पोर्ट हुदाइदा है, ये पोर्ट हुदाइदा कहाँ पर लोकेटेड है, सच क्वेश्चन कैन बी एक्चुअली आस्क इन दिस पेपर। तो यहाँ पर देखें, रेड सी जो एक सी है, बेसिकली दिस सी इज बिटवीन दिस अरेबियन पेनिनसुला एर जो ये अफ्रीका का जो ये बेसिकली द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सूडान के बीच में, इजिप्ट के बीच में जो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, इसी को हम रेड सी बोलते हैं। तो यहीं पर देखें, एक इंडिया बाउंड कार्गो शिप था जिसको गैलेक्सी लीडर बोलते हैं, ये एक ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी का शिप था, इसको हाउदी रिबल्स ने बेसिकली हाईजैक कर दिया था एक पोर्ट सिटी में। वो कहां है, पोर्ट सिटी दैट इज इन हुदाइदा, कहां पर है, हुदाइदा। और ये जो पोर्ट सिटी है बेसिकली ये यमन की पोर्ट सिटी है जो कहीं यहां पर लोकेटेड है, दिस इज द हुदाइदा, हुदाइदा कहीं यहां पर ये सिटी लोकेटेड है अपोजिट ऑफ दिस इरिट्रिया रेड सी में। तो ये एक पोर्ट है हुदाइदा, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हुदाइदा पोर्ट कहां पर लोकेटेड है, तो ये रेड सी में यमन का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां पर रिसेंटली गैलेक्सी लीडर जो एक ब्रिटिश इंडिया बाउंड एक शिप था विद दिस ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी का एक शिप था, इसको हाईजैक कर दिया गया, किसके द्वारा, हाउदी रिबल्स के द्वारा। अब यहां पर रेड सी के साथ जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा सकता है। तो यहां पर अगर आप कंट्रीज का सीक्वेंस देखोगे तो कंट्रीज में आप कभी कभी गलतियां हम कर सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली दिस इजरायली एंड पैलेस्टीनियन वॉर वॉज देयर, सो हम जो है, हमें लगता है कि दिस जॉर्डन एंड इजराइल आर बेसिकली नॉट लोकेटेड अलोंग द रेड सी, बट ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे, आपके पास एक कंट्री है जिबूटी, जिबूटी के बाद यमन, यमन के बाद सऊदी अरेबिया, फिर आपके पास एक कंट्री है जॉर्डन एंड इजराइल, और उसके बाद ये सेनाए पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, कलेक्टिवली हम इसको इजिप्ट कहेंगे, और सूडान एंड इरिट्रिया, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज दैट सराउंड दिस रेड सी। तो रेड सी के चारों तरफ आपको कौन से देश मिलते हैं, इसका आपने सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज द जिबूटी, जो अफ्रीकन हॉर्न की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, दूसरी जो है जिबूटी के बाद, सॉरी अगर आप उस साइड से बात करो तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इट इज यमन, यमन के बाद बड़ी सी कंट्री है सऊदी अरेबिया, देन यू हैव दिस जॉर्डन, देन यू हैव दिस इजराइल, देन यू हैव दिस इजिप्ट, देन यू हैव दिस सूडान, वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू हैव दिस इरिट्रिया, और इरिट्रिया के बाद नीचे कौन है, जिबूटी है। तो ये देश है 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज एट कंट्रीज एक्चुअली सराउंड दिस रेड सी। इंपॉर्टेंस क्या है कि यहां पर दो स्ट्रेट्स, दो बेसिकली गल्फ है, वन इज द दिस गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकबा। तो अकबा जो गल्फ है दैट एक्चुअली इज कनेक्ट दिस रेड सी टू दीज टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इसराइल और जॉर्डन से इसको ज्वाइन करता है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है अकबा के माउथ पर, अकबा
अरबा के कोस्ट पर कौन लोकेटेड है, जॉर्डन और इसराइल, और इस साइड को स्वेज है, तो दिस वन इज द सिनाई पेनिनसुला, इसके बारे में हम डिटेल्स आगे करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट है हाउदी रिबल्स के बारे में, दीज हाउदी रिबल्स आर बेसिकली द शिया स्पॉन्सर्ड, दीज आर द शिया रिबल्स स्पॉन्सर्ड बाई ईरानियन, ये ईरान के बैकअप से एक्टिव है इस यमन वाले रीजन में, बेसिकली टू काउंटर दिस सऊदी अरेबियन एग्रेशन, सऊदी अरेबियन का डोमिनेंस जो रीजन में है उसको काउंटर करने के लिए वी हैव दिस दिस रेबिलियन ग्रुप दैट इज एक्टिव इन यमन बेसिकली। और दूसरा जो आप देखोगे लेबनान में भी एक ग्रुप है जो रिसेंटली एक्टिव हुआ था, दैट वॉज हिजबुला, हिजबुला वॉज ऑल्सो ईरानियन स्पॉन्सर्ड एक ग्रुप है जिसको ईरान किसके खिलाफ काम एक्टिव करता है, अगेंस्ट दिस इसराइल, इसराइल के खिलाफ भी काम करता है। सो ये आपने ध्यान रखना है, वी हैव दिस हिजबुल्लाज इन लेबनान, देन वी हैव दिस हाउदीज इन ईरान, हाउदीज इन सॉरी हाउदीज इन यमन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकबा, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज अबाउट द बेन ग्यूरॉन कैनाल, वी हैव दिस इंपॉर्टेंट कैनाल दैट इज कॉल्ड एज बेन ग्यूरॉन कैनाल। अब देखो ये कैनाल इसराइल से रिलेटेड है, इसराइल में पैलेस्टीन और इसराइल का रिसेंटली बहुत बड़ा क्लैशेस चल रहा था, तो यहाँ पर जो क्लैश था दैट वाज रिलेटेड टू दी गाजा में जो हमास जो ग्रुप है वो रह रहे थे, दे वर एक्चुअली रेगुलरली अटैकिंग ऑन दीज इसराइलीज, तो यहाँ पर बेसिकली इसराइल ने भी एक रिटेलिएशन किया हमास पर जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे, वी हैव दिस स्ट्रिप, सो यहाँ पर ये स्वेज, ये जो पेनिनसुला है, दिस पेनिनसुला इज बेसिकली द इजिप्शियन टेरिटरी है, इजिप्ट की एक टेरिटरी है, और इस इजिप्शियन टेरिटरी जिसको हम सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, इसी के साथ यहाँ पर ये इसराइल है, और इसराइल में कौन है, ये जो बेसिकली गाजा स्ट्रिप है मेडिटेरेनियन सी पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे द वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी बिटवीन रेड सी से लेकर अगर आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाओगे तो आपको ये स्वेज कैनाल एक इंपॉर्टेंट जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज द पोर्ट स्वेज एंड दिस इज द पोर्ट सैड, और ये जो टेरिटरी है दिस टेरिटरी इंटायरली इज इन द कंट्रोल ऑफ दिस कैनाल इज इन द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। अब प्रेजेंटली इसराइल एक स्ट्रेटेजी के तहत क्या कोशिश कर रहा है कि ये जो गल्फ ऑफ अकबा है, बेसिकली दिस इज द गल्फ ऑफ अकबा, गल्फ ऑफ अकबा से एक इंपॉर्टेंट कैनाल के थ्रू रेड सी के साथ कनेक्टिविटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है इसराइल के द्वारा, इसी को बेन ग्यूरॉन कैनाल बोला जाता है। बेसिकली ये इसराइल का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है टू कनेक्ट दिस गल्फ ऑफ अकबा विद मेडिटेरेनियन सी। यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि दिस इसराइल एक्चुअली वॉन्ट्स टू एलिमिनेट दिस हमास फ्रॉम गाजा से हमास को बात करना चाहता है, और यहीं पर अगर आप देखो तो इसका जो नाम है, इस कैनाल का नाम जो है डेविड बेन ग्यूरॉन के नाम पर रखा गया है, जो इसराइल का फाउंडर फादर जिसको माना जाता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इसराइल, इट इज सिंपली बेन ग्यूरॉन। कौन है? बेन ग्यूरॉन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। तो ये कैनाल आप जरूर याद रखें, इट इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट दैट इज देयर टू कनेक्ट दिस गल्फ ऑफ अकबा विल मेडिटेरेनियन सी, है ना। तो बाईपास करना है किसको? स्वेज कैनाल को, इजिप्ट की डोमिनेंस को भी रिड्यूस करना है। अब रशिया यूक्रेन वार, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है, तो यहां पर रिसेंटली रशिया के द्वारा कुछ लोकेशंस को अटैक किया गया। लोकेशंस कौन सी थी? तो यहां देख लीजिए, रशिया ने रिसेंटली अवदिका एंड द रोबोटाइन जो दो विलेज है यूक्रेन को, उन पर अटैक किया। डोनस्क रीजन इन इंडस्ट्रियल एंड फॉर्मर कोल। अब देखो यहां पर कुछ एक रीजन है बेसिकली डोनस के साथ, देखो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिप है, दिस होल ईस्ट साइड का जो साउथ ईस्टर्न जो यूक्रेनियन रीजन है बॉर्डरिंग रशिया, दिस इज टोटली ऑक्यूपाइड बाय रशिया। नाउ इसको रशिया ने टोटली ऑक्यूपाई किया है, इंक्लूडिंग दिस आइलैंड जो है, एक है दैट इज इन ब्लैक सी, दैट इज द क्रीमियन आइलैंड। इस पूरे के पूरे टेरिटरी को रशिया ने ऑक्यूपाई किया है इलीगली। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, लोहांस्क है, डोनास्क है, जेबोर्जिया है और खेरसोन है। रिसेंटली यहीं से जो यूक्रेन रशिया है, रशिया ने इन दो लोकेशंस पर अटैक किया, अवदिका एंड रोबोटाइन, विच आर एग्जैक्टली
located alongside these Donetsk. Donetsk is important because it is an industrial area of Ukraine. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा coal का deposit, basically यहाँ पर Ukraine का important coal mines located है. And this Robotyne is located along Zaporizhia. और आपने याद रखना है कि Zaporizhia basically मैं यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था. That was actually active after this Chernobyl nuclear disaster. के बाद यही Zaporizhia का एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट था जो एक्टिव था. बट ये भी जो लोकेशन है, दिस Zaporizhia इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया. और ये Zaporizhia का जो प्लांट है इसको कंप्लीटली जो है अभी बंद किया गया है. ये भी आपने ध्यान रखना है. सो रशिया यूक्रेन वॉर. तो कुछ कंट्रीज अगर आप देखोगे तो यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो साउथ में आपको ये ब्लैक सी दिखता है. नाउ वी हैव दिस रशिया, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया एंड मोल्डोवा. दीज आर दी कंट्रीज दैट आर एट बॉर्डर ऑफ दिस यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर बनाती है, ये आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट आ जाइए, किरीबाती आइलैंड पर एक क्वेश्चन है. बेसिकली किरीबाती आइलैंड को अगर आप देखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है. सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेटेड ये जो है माइक्रोनेशिया का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है किरीबाती आइलैंड. इसमें जो है 32 एटॉल्स है. ऑब्वियसली एटॉल्स क्या होते हैं, दीज आर सम ऑफ द रीफ्स, जो आपके रीफ है जिनको हम कोरल रीफ बोलते हैं. यहाँ पर तीन आइलैंड है, गिलबर्ट आइलैंड, फोनिक्स आइलैंड और लाइन आइलैंड. तो यहाँ पर आपको दिखेगा दीज आर द लाइन आइलैंड, दीज आर द फोनिक्स आइलैंड. और अगर आप थर्ड आइलैंड को देखोगे गिलबर्ट आइलैंड, दीज आइलैंड मेक्स द टेरिटरी दैट इज एक्चुअली नॉन एज द किरीबाती आइलैंड ग्रुप्स. और यहां पर ये वर्ल्ड्स का ओनली एक ऐसा आइलैंड है, नेशन है जो चारों हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है. यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जो किरीबाती का एक इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज फोनिक्स, दैट इज इन सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और गिलबर्ट जो है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. 180 डिग्री को अगर आप कंसीडर करो तो देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली दिस इज लोकेटेड इन दिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है दैट इज़ क्रिस्टमस आइलैंड, दैट इज़ गिलबर्ट आइलैंड, फोनिक्स आइलैंड जो है. और जो एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है फोनिक्स आइलैंड, गिलबर्ट आइलैंड एंड वी हैव दिस किरीबाती आइलैंड और लाइन आइलैंड. बेसिकली दीज आर आइलैंड दैट आर लोकेटेड इन फोर हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड. और आपने याद रखना है कि किरीबाती बेसिकली दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर को किरीबाती में मनाया गया. दूसरा, दुनिया में दो बारी न्यू ईयर को किरीबाती में मनाया गया. दैट इज़ हाउ दिस किरीबाती इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो इसका एक लोकेशन देख लीजिए, 180 डिग्री जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, उसके वेस्ट में कुछ टेरिटरी है दैट इज़ नॉन एज गिलबर्ट आइलैंड, उसके ईस्ट में कुछ टेरिटरी है दैट इज फोनिक्स आइलैंड एंड लाइन आइलैंड. और लाइन आइलैंड की कुछ टेरिटरीज इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है. दैट इज हाउ दिस आइलैंड इज बेसिकली, दिस आइलैंड कंट्री इज बेसिकली लोकेटेड इन नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर याद रखना है, इट इज नॉट ओनली कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइम मेरिडियन, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन. ये आपने ध्यान रखना है. तो पैसिफिक ओशन में जो माइक्रोनेशिया है उसका ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप है किरीबाती आइलैंड्स. नाउ नेक्स्ट आ जाइए, देन इट इज द लिथियम. लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली आपको पता है कि लिथियम के डिस्कवरी, लिथियम के जो भंडार है वो हमें इंडिया में भी मिले हैं. साथ ही साथ लिथियम का जो यूज है वो बेसिकली जब हम रिन्यूएबल्स पर जा रहे हैं तो एनर्जी स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिथियम आयन बैटरी है उसका यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लिथियम का जो डिमांड वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा शॉर्ट अप हो गया है, जिसी की वजह से लिथियम को अब व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. तो रिसेंटली इंडिया ने लिथियम एक डील साइन की है अर्जेंटीना के साथ और कुछ कंट्रीज यहीं साउथ अमेरिका में ही कुछ कंट्रीज है. दीज आर द थ्री कंट्रीज, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली. इन तीन देशों को आपने ध्यान रखना है, इनको लिथियम ट्राइंगल के रूप से जाना जाता है. तो लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज में कौन कौन है, इट इज प्रिंसिपल
अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, जिसमें अर्जेंटीना के साथ हमने बेसिकली एक डील साइन की है टू इंपोर्ट बेसिकली दिस लिथियम और वाइट गोल्ड टू इंडिया. और दूसरा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लिथियम दुनिया में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है. अगर कंट्रीज की बात करें तो चिली दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम को प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा रिजर्व चिली में है, देन इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इट इज़ इन अर्जेंटीना. याद रखना है, लिथियम ट्राइंगल को याद रखना है आपने, बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली अर्जेंटीना के साथ लिथियम को इंपोर्ट करने के लिए एक डील साइन की है. ठीक है जी. और यहीं से अगर आप देखो द लिथियम इन इंडिया में देखें तो कुछ फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ लिथियम एवर टू बी डिस्कवर्ड, इंडिया में भी कुछ लिथियम को डिस्कवर किया गया. अगर सबसे पहले कहीं डिस्कवर किया गया इट वॉज इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. आपको पता है कर्नाटका का जो मांड्या वाला रीजन है दैट लाइज इन धारवाड़ रॉक सिस्टम. यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यहाँ के इग्नियस रॉक स्ट्राटा में पाए जाते हैं. उसी में से एक इंपॉर्टेंट मिनरल जो है लिथियम के भंडार, लिथियम के ट्रेसेस यहां पर पाए गए कम मात्रा में. बट लिथियम का जो इंपॉर्टेंट रिजर्व है वो रियासी, जम्मू कश्मीर में रियासी के एक रीजन है जिसको बोलते हैं सलाल हैमाना एरिया. सलाल हैमाना एरिया में रिसेंटली लिथियम के भंडार इंडिया में डिस्कवर किए गए हैं. तो ये लोकेशंस आपसे पूछी जा सकती है. चलिए नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड. आपको पता है मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मॉक किया था बेसिकली कि लक्षद्वीप आइलैंड पर कोई भी बाहर का जो टूरिस्ट है दे डू नॉट एक्चुअली प्रेफर टू विजिट दिस लक्षद्वीप आइलैंड एंड दे एक्चुअली प्रेफर टू विजिट टू दिस देयर आइलैंड दैट इज द मालदीव को वो विजिट करते हैं. तो मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रेफरेबली बेसिकली इन आइलैंड ग्रुप को विजिट किया, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को विजिट किया, जिसकी वजह से ये जो है नई पोटेंशियल डेस्टिनेशन बन गई है किसके लिए, टूरिस्ट, जो टूरिज्म से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए. सो यहां पर अगर आप देखो क्योंकि रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज ड्यू टू दिस न्यू बेसिकली जो एक पोटेंशियल बना है टूरिस्ट का इन्वेस्टर्स के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ये बनी है इन्वेस्ट, जो एक पोटेंशियल लोकेशन डेस्टिनेशन जो बनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आइलैंड वॉज एक्चुअली इन न्यूज. तो ये आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दीज आर 36 आइलैंड और इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी यही है. और ये जो आइलैंड है ये आइलैंड बेसिकली कोरल आइलैंड है. कैसे कोरल, तो ये कोरल के द्वारा के द्वारा बने हुए आइलैंड है और प्रीवियसली इनको अमनदीवी आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड के नाम से जाना जाता है था. इनकी जो कैपिटल है दैट इज इन कवरत्ती और केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये आते हैं. और 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनिकॉय को मालदीव से, दिस इज द 8 डिग्री चैनल. और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनिकॉय को किससे सेपरेट करती है, लक्षद्वीप से. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है रिगार्डिंग 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है. सो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है बेसिकली 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय को किससे, मालदीव से, या फिर मालदीव को मिनिकॉय से, या फिर मालदीव को लक्षद्वीप आइलैंड से सेपरेट करने वाला चैनल इज द 8 डिग्री चैनल. देन वी हैव 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप से सेपरेट करने वाला इंपॉर्टेंट चैनल इज द 9 डिग्री चैनल. दिस इज द कालपेनी. कालपेनी के बाद अगर आप देखो तो कालपेनी इज द क्लोजेस्ट आइलैंड. क्लोजेस्ट कालपेनी की अगर आप बात करें क्लोजेस्ट आइलैंड है कोचिन से, ओनली 287 किलोमीटर क्लोजेस्ट आइलैंड कालपेनी. देन इट इज द एंड्रॉट आइलैंड, कावरथी आइलैंड, अगाथी आइलैंड, अमिनी आइलैंड, कदमात आइलैंड, किल्टान, चितलान, वित्रा एंड बंगराम. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. तो ये अरेबियन सी में इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स है, दोज विच आर ऑफ कोरल ओरिजिन. ये कैसे हैं, कोरल ओरिजिन के आइलैंड है. नाउ द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज अबाउट ब्लैक सी डी माइनिंग. सो ब्लैक सी वाला जो रीजन है जिसके चारों तरफ बहुत सारी कंट्री है, साउथ में देखो तो आप टर्की है, वी हैव दिस जॉर्जिया, वी हैव दिस रशिया, then we have this important Ukraine, Romania, and then we have Bulgaria. These are important countries that are surrounding this Black Sea. तो यहाँ पर बहुत time से basically कुछ ना कुछ tussles, military जो है confrontation यहाँ पर चलती रही है. तो यहाँ पर इन countries के द्वारा Black Sea के थ्रू अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए उससे बचने के लिए इस पूरे के पूरे ब्लैक सी के कोस्टल एरिया को, शेल्फ एरिया को माइन किया गया है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ हैं
बेसिकली जिनमें टर्की, बुल्गारिया और रोमेनिया है, इन्होंने एक डील को साइन किया है टू डीमाइन द ब्लैक सी. ब्लैक सी में जो भी माइंस है उनको निकालना, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिकल पोटेंशियल ऑफ द ब्लैक सी. क्योंकि अगर इसमें इतना ज़्यादा माइंस पड़ जाएगा, इतने ज़्यादा माइंस जो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, तो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट वे भी है. बेसिकली कैसे, तो यहाँ से जो है बहुत सारा जो वे है, जो एक ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो सी रूट है, वो भी ब्लैक सी के थ्रू जा रहा है. तो वो उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है. सो दीज थ्री कंट्री, टर्की, दीज आर टर्की, बुल्गेरिया एंड रोमानिया, इन तीन देशों ने एक डील साइन की है कि हम ब्लैक सी को डिमाइन करेंगे. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक सी के चारों तरफ कुछ माउंटेन्स भी है. दीज आर पोंटिकस माउंटेन. पोंटिकस माउंटेन बेसिकली कहां पर लोकेटेड है, ये टर्की के इंपॉर्टेंट माउंटेन है, कोकाकस माउंटेन, जॉर्जिया के आकाश पास इस एरिया में कोकासस माउंटेन्स है. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्रीमियन माउंटेन इन क्रीमिया, ये आपने ध्यान रखना है. छह बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑब्वियसली आपने ध्यान रखनी है. तो रशिया से अगर आप शुरू करोगे तो यू हैव दिस रशिया, देन यू हैव दिस यूक्रेन, रोमेनिया. रोमेनिया के बाद याद रखना है मोल्डोवा इज नॉट एक्चुअली द कंट्री दैट सराउंड द ब्लैक सी, है ना, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है. उसके बाद वी हैव बुल्गेरिया एंड टर्की. टर्की इज द इंपॉर्टेंट कंट्री, बिकॉज अगर आप देखोगे साउथ में पूरा का पूरा ब्लैक सी के साथ कोस्ट बनाने वाला कंट्री इज टर्की. ठीक है, तो यहां पर कुछ स्ट्रेट भी है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, नाइफर रिवर एंड डैन्यूब रिवर. वेरी इंपॉर्टेंट, नाइफर और डैन्यूब रिवर. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस नाइफर रिवर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इंपॉर्टेंट सिटी थी ना एक ज़ेपोराइज़िया, दैट सिटी डोनास्क, ज़ेपोराइज़िया, वो सब जो है नाइफर रिवर पर लोकेटेड है. तो यहां तक का ये एरिया पूरा का पूरा अब रशिया के कंट्रोल में है. सो यहां पर अगर आप एक सी देखोगे, यू हैव दिस इंपॉर्टेंट सी, दैट इज द सी ऑफ अजोव. सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट को हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, दैट इज द कर्च स्ट्रेट. और उसके बाद ब्लैक सी को मरमरा सी, दिस इज द मरमरा सी. मरमरा सी टर्की का सी है. ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ने वाला जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट को बोलते हैं हम बॉस्फोरस स्ट्रेट. एंड लास्ट स्ट्रेट इज द दार्दानेलास स्ट्रेट. दार्दानेलास स्ट्रेट बेसिकली मरमरा सी को एजियन सी से ज्वाइन करता है. तो ये आपने ध्यान रखना है. वी हैव दीज थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ब्लैक सी और मरमरा, एंड स्ट्रेट ऑफ बेसिकली दार्दानेलास जो एजियन सी या फिर मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है ब्लैक सी को कनेक्ट करता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज द 2024 का जो समर ओलंपिक्स है. 2024 का समर ओलंपिक्स बेसिकली 2024 का समर ओलंपिक्स गेम, जो 33rd एडिशन है ओलंपियाड का, ओलंपिक गेम्स का, ये पेरिस में होना है. ठीक है, जुलाई 26 2024 से अगस्त 11 2024 तक ये एग्जाम होंगे, ये ओलंपिक गेम्स होंगी. एंड पेरिस विल बी द मेन होस्ट सिटी. मेनली पेरिस में बेसिकली ये जो गेम्स है इनको होस्ट किया जाएगा. और एक इंपॉर्टेंट ओवरसीज आइलैंड टेरिटरी है फ्रेंच की, फ्रांस की, दैट इज ताहिती आइलैंड. वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड ताहिती, एन आइलैंड विद इन द फ्रेंच ओवरसीज कंट्री ऑफ फ्रेंच पॉलिनेशिया विल होस्ट द सब साइट. सब साइट यहां पर देखिए, ये इक्वाडोर है और ये ऑस्ट्रेलिया है. इसके बिल्कुल बीच में वी हैव दिस इंपॉर्टेंट आइलैंड, दैट इज द ताहिती आइलैंड. ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है. दिस ताहित आइलैंड इन पैसिफिक सी विल बी द सबसाइट फॉर दिस 33rd जो आपका ये ओलंपिक गेम्स है इसके लिए. साथ ही साथ जो 2028 के गेम निर्धारित हुए हैं वो लॉस एंजलस यूएसए में होंगे. और 2032 के गेम्स कहां पर होंगे ओलंपिक्स, वो भी डिसाइड हो चुका है इन ब्रिस्बेन. और इस बार के गेम का जो मोटो है 2024 का, वो है गेम्स वाइड ओपन. सो ये आपने याद रखना है. 2024 में जो गेम्स होनी है, 33rd जो गेम्स होनी है, वो पेरिस में. ताहिती इज द ओवरसीज आइलैंड इन पैसिफिक, बेसिकली इन मिडल ऑफ टू कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साउथ अमेरिका के बीच में. यहीं पर लॉस एंजलिस जो है 2028 का गेम्स होगा, 32 का गेम ब्रिस्बेन में होगा, और मोटो है गेम्स वाइड ओपन. तो आपने याद रखना है कि जो ओलंपिक्स है ये हर 4 साल के अंतराल के बाद ये जो इंपॉर्टेंट गेम्स होते रहते हैं. तो यहां पर कुछ रिंग्स है, यहां से भी क्वेश्चन आता है. तो रिंग्स देख लीजिए, वी हैव दीज रिंग्स. दिस ब्लू रिंग इज ऑफ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया. सो एशिया का जो रिंग है, दैट इज
येलो। तो ये जो फाइव रिंग है, दीज फाइव रिंग एक्चुअली रिप्रेजेंट द फाइव इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, फाइव इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज अबाउट द अरल सी। ये रिसेंटली न्यूज में था काफी टाइम से, बिकॉज यहां पर वर्ल्ड का लेटेस्ट जो आपका एक डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ है। दैट डेजर्ट इज बेसिकली नॉन एज द अरल कुंभ। क्या बोलते हैं उसको? अरल कुंभ। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन इसलिए बन जाती है बिकॉज अरल सी ने लेटेस्ट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्राइनेस हुई है, ड्रॉट कंडीशंस हुई है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कहीं पर पड़ा है, दैट इज द अरल सी। सो बिकॉज दिस अरल सी वॉज बेसिकली नासा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से अरल सी का पूरा डेथ और डिमाइस हो गया है। ये एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक मतलब सराउंड से जो रिवर्स है वो इस बेसिन में डिस्चार्ज होती है। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर है तुर्कमेनिस्तान की तरफ से, ये जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको तुर्कमेनिस्तान की तरफ से आती है, दैट इज अमुदरिया रिवर, और एक इंपॉर्टेंट रिवर है सिरदरिया रिवर जिसको जक्स्टार्टस भी बोला जाता है। सिरदरिया रिवर कजाकिस्तान की तरफ से आती है। सो दीज आर द टू रिवर दैट एक्चुअली डिस्चार्ज इन अरल सी। और अरल सी बेसिकली कौन सी कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? यह बॉर्डर बनाता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। दो नदियां हैं सिरदरिया और अमुदरिया जो इसमें अपने वाटर को डिबाउच करती है, वाटर को डिस्चार्ज करती है। इसके कैचमेंट एरिया में सेंट्रल एशिया की लगभग सभी कंट्रीज आती है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इवन अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड किर्गिस्तान। दीज आर द कंट्रीज दैट एक्चुअली कम्स इन द बेसिन ऑफ दिस अरल सी। आपने याद रखना है कि अरल सी इज द लेटेस्ट कॉन्टिनेंट। ये एक लेटेस्ट सी है या लेक है जो ड्राई हो चुकी है, जिसका डेथ हो चुका है, और इसकी जगह एक नया डेजर्ट बना है जिस डेजर्ट को अब बोला जाता है अरल कुंभ। कुंभ का मतलब सेंट्रल एशिया में क्या है? डेजर्ट। वी हैव दिस किजिल कुंभ हियर, है ना, किजिल कुंभ। नाउ वी हैव दिस लेटेस्ट कुंभ, दैट इज द किजिल कुंभ, कजल कुंभ, और किजिल कुंभ इज किर्गिस्तान, कजल कुंभ इन कजाकिस्तान, अरल कुंभ जो है अब अरेबियन, जो आपका अरल सी है उसकी जगह नया एक कुंभ बन गया है, डेजर्ट बन गया है, दैट इज द अरल कुंभ। ठीक है जी। सो नाउ एक लास्ट जो आज की वीडियो का जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज अबाउट दिस माउंट मेरापी। माउंट मेरापी क्या है जी? ये एक वोल्केनिक पीक है। रिसेंटली माउंट मेरापी जो एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है, एक वोल्केनो है, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। रिसेंटली ये इरप्ट हुआ था। ये बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन सुमात्रा, सॉरी, दिस माउंट मेरापी इज लोकेटेड ऑन दिस जावा आइलैंड पर ये लोकेटेड है। माउंट मेरापी विच मीन्स माउंटेन ऑफ फायर, ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया का, बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है मेरापी। इंडोनेशियन आर्किपेलागो में सबसे ज़्यादा बेसिकली क्या है, कुछ वोल्केनिक माउंटेन्स है जिसमें से माउंट मेरापी इज द मोस्ट एक्टिव। रिसेंटली ये एक्टिव हुआ था, रिसेंटली ये जो है एक्सप्लोड हुआ था। माउंट मेरापी आपने याद रखना है जावा में है, और यहीं पर एक और वोल्केनो में है, दैट इज द क्रकटाओ, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव वोल्केनो है। तो माउंट रोंग भी एक इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। सो दिस रीजन, दिस ऑल द आइलैंड हैव मल्टीपल एक्सप्लोसिव स्ट्रेटो वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, बिकॉज ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया का आइलैंड ग्रुप एक्चुअली सिट ऑन द स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर पर ये लोकेटेड है, मार्जिनल एरिया पर लोकेटेड है, सबडक्शन जोन के पास लोकेटेड है। सो मैक्सिमम जो भी एक्सप्लोसिव वोल्केनोस है वो यहाँ पर आते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट वोल्केनो है माउंट मेरापी जो जावा में लोकेटेड है। तो इंडोनेशिया में आपने याद रखना है, इन इंडोनेशिया यू हैव मल्टीपल आइलैंड्स। देखो इंडोनेशिया का आइलैंड ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका। बेसिकली जावा सी, यहाँ पर जावा सी है, जावा के पास जावा सी, और यहाँ हमारा अंडमान सी है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखो ये इंडियन ओशन है और यहां जावा सी है, जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसको सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं, इट इज द सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट के पॉइंट पर ही एक सिटी है जकार्ता। ये जकार्ता भी बेसिकली जकार्ता का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वन इशू, सेकेंड
इज़ द सेकेंड जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर लिविंग कंडीशन कम हो गई है, जिसकी वजह से रिसेंटली द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस इन दिस बोर्नियो आइलैंड. ये पूरा का पूरा बोर्नियो आइलैंड है. यहाँ पर एक सिटी है बेसिकली नुसांत्रा, दैट एक्ट एज ए न्यू कैपिटल ऑफ दिस इंडोनेशियन आइलैंड कंट्री. और आपने इंडोनेशिया को लेकर याद रखना है कि इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है. आर्किपेलागो इज सिंपली द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन एनी लोकेशन. और यहाँ पर देखो तो ये सुमात्रा आइलैंड है. दिस सुमात्रा इज द एंटायर, ये सुमात्रा और सुलवेसी एंड दिस इज द जावा, दीज आर द आइलैंड. और एक आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड. बोर्नियो आइलैंड में कुछ कंट्रीज है. यहाँ देखो ये जो है दिस इज़ द मलेशिया, मलेशिया का एक हिस्सा, दिस इज़ द मलय पेनिनसुला. और यहीं पर इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर है मलेशिया का. यहीं पर एक कंट्री है दैट इज़ ब्रुनई. और साउथ वाला जो रीजन है दैट इज़ द कालीमंथन रीजन ऑफ इंडोनेशिया, जहाँ पर नुसांत्रा लोकेटेड है. तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में इतना ही. कुछ इम्पॉर्टेंट रिसेंट प्लेसेस के साथ मैं फिर आपके बीच में अपीयर होऊंगा. होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं. एंड अगेन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन में हम पूरी की पूरी मैपिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस, इस वे में हम आपका जो वर्ल्ड मैपिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. होपफुली यू आर एंजॉइंग द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करें चैनल को. धन्यवाद.